नमस्कार, वेलकम टू स्मार्ट गृहिणी। आज आम बहुत टेस्टी मसला इडली बा आलू पूर दिया इडली बनवा देखा। प्रथम भितर स्टफिंग आलू पूर बनवा देखा। पैन में 4 स्पून तेल पकई, तेल गरम होगापर गोटे स्पून जीरा फुटण देद, 4 कंचा लंका, गोटे मीडियम सैज्र पिज को छोट छोट कर काटिक रखी पकईदे। पिजर कलर चेंज होगा पर्यटन कमी भल से भाजदे। एबे एथिरे भाजिक रखिथिबा चीना बादाम को पकाई देबा। अल्प टिके चीना बादाम को भाजिक आर चुपा काढ़ रखी, तापर सीझे कि रखिथिबा आलू को पकाई देबा। 2 मीडियम साइज़र आलू को सीझे कि चकटिक रखिथिली। पूरा आलू पकेला परे स्वाद अनुसार लुण, आधा स्पून हळदी, गोटे स्पून जीरा गुंड, गोटे स्पून गरम मसला, गोटे स्पून धनिया गुंड, गोटे स्पून चिली फ्लेक्स को ऐड कर देबा। बर्तमान ये सब कुछ भलसे मिसाई दबा। फ्लेम को मीडियम रखी आपको बारंबार एमती मिसौवा। आलू रे मसला पूरा भल भाव मिसला पर्यटन कसवा। पूरा भल भाव मिसला गैस को बंद करके मसला को ठंडा हवा को दबा। ठंडा हालापर यह भाया छोट छोट साइज़र यह देखते टिकी बनईद, जो साइज़र इडली बनवाक चाहते ताकि छोट साइज़र यह भाया आलू टिकी बन रखिद। एबे इडली रो पिठो को तळ ऊपर करके पूरा भले से मिसेबा। इडली बैटर को इडली रावारे बनेची जादारा कि बहुत स्मूथ एवं स्पंजी इडली बनिबो। इडली रो पिठो बनेबा रेसिपी मु आगरो अपलोड कर सारी, आप मो चैनल रे देखि परबे। आकु भले से एमती 2-3 मिनट पर्यंत मिसेला परे एथरो इडली बनेबा। इडली छांचरे चारियाडे भले से तेल लगे देबा, तापरे गोटे स्पून इडली बैटर को एथरे पकेबा। एबे तैयारी करथिबा आलू टिक्की को एमती आ मझेरे रखिकी प्रेस करिबा, हल्का प्रेस करिया। देखंतु एपरी आलू टिक्की रखिला परे आउ गोटे स्पून इडली बैटर आ उपरे एमती चारियाडे स्प्रेड कर दबा। अल्प अल्प करके एमती स्प्रेड कर दबा। देखंतु सेम प्रोसीजर रे पूरा इडली को बने दबा। प्रेशर कुकर रे गोटे ग्लास पानी पकाई देबा, तापर इडली स्टैंड को प्रेशर कुकर रे रखी ढाकणी बंद कर देबा। यार व्हिसल को काढ़ देबे। हाई फ्लेम रे आकु 10 मिनट पर्यंत कुक कर देले हम इडली बनि जीवो। देखंतु हे सरसे एबे बाहर को काढ़ के आकु भला एबे ठंडा हवा को देबा। भले से ठंडा हला परे इडली को काढ़िबा। स्पून रे इडली चारियाडे एमती दाग करला परे इडली को काढ़ा, जदारा इडली जल्दी सहजरे बाहरी जीवो। आकु काढ़ी भांगी देखा आपन देखिपे के स्मूथ एवं स्पंजी इडली बनी। देखु ये रेसीपी आपन थरे निश्चय ट्राए करिवे। आउ जदि रेसीपी बा वीडियो भल लागिला ताहले प्लीज लाइक करदे। रही धन्यवाद।